हरियाणा के चरखी दादरी जिले के झुंझू गांव में शहीद अरविंद सांगवान को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। दरअसल 23 दिसंबर को सिक्किम में हुए एक सड़क हादसे में अरविंद शहीद हो गए थे। उत्तरी सिक्किम के जेमा में हुए इस सड़क हादसे में 16 जवान शहीद हुए। आपको बता दें, सेना के जवानों को लेकर जा रहे काफिले में से एक ट्रक ढलान पर फिसल गया था, जिसमें देश के 16 जवान शहीद हो गए। वहीं राजपूत राइफल में तैनात रहे शहीद अरविंद के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दिल्ली से उनके गाँव झोजू कला में लाया गया, जहाँ अंतिम विदाई के दौरान पूरा क्षेत्र वंदे मातरम, शहीद अरविंद अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। जहां एक ओर हर किसी की आंख नम थी, तो वहीं देश के लिए जान कुर्बान करने का गर्व भी था। प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि और हजारों ग्रामीणों ने देश के लाडले बेटे को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद अरविंद सांगवान के 8 साल के बेटे ध्रुव ने कुछ ऐसा कहा जो सबको भावुक कर गया। ध्रुव ने आंखों में आंसू लिए कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। और ध्रुव ने पिता को हाथ जोड़कर नमन किया। अरविंद की गर्भवती पत्नी और पिता ने भी शहीद को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।